student good morning student now take page number 62 in general knowledge book people with disabilities people with disabilities are usually very talented and special people name these great achievers orally first i am a famous scientist i have now spent many years इन अ व्हील चेयर ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जिस जितने जिसने अपने कितने साल है वो व्हील चेयर यू you नो know, व्हील चेयर किसके लिए यूज़ होती है कि जो लोग फिजिकली कुछ उनमें डिफेंसिव हो आई I मीन mean कि वो अपंग हो तो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं तो ये साइंटिस्ट है वो कितने साल तक है वो व्हील चेयर का यूज़ किया है आई हैव ऑलमोस्ट नो कंट्रोल और माई लिम्स उनके लिम्ब में भी उनका कंट्रोल नहीं था एंड नीड अ स्पेशल मशीन अ कंप्यूटर टू स्पीक टू अधर्स आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड डिलीवरिंग लेक्चर ऑन फिज़िक्स एंड यूनिवर्स वेरी ग्रेट पर्सन इतनी फिजिकली डिसबिलिटी है फिर भी वो एक साइंटिस्ट है और उन्होंने अच्छे अच्छे लेक्चर से कि जो यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में फिजिक्स के अबाउट उन्होंने साइंटिस्ट हैं और लेक्चर भी दिए हैं तो वो कौन है तो दैट इज स्टेफन हॉकिंग वेरी ग्रेट पर्सन नंबर टू एन इंडियन क्लासिकल डांसर आई लॉस्ट अ लेग इन अ रोड एक्सीडेंट ऐसे क्लासिकल डांसर है कि जिनका एक लेग है वो एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गया आई हैव कंटिन्यूड माय डांसिंग करियर विद एन आर्टिफिशियल लेग और उन्होंने अपना कैरियर जो डांसिंग का है वो कंटिन्यूसली रखा उसको वहाँ पे स्टॉप नहीं कर दिया उनका आर्टिफिशियल लेग आर्टिफिशियल मीन्स के जो बनावटी लेग होते हैं उससे उन्होंने काम चलाया और अपना कैरियर वो कंटिन्यू रखा आई एम नाव अ वेल नोन टी वी एक्टर अब वो बहुत बड़ी अच्छी टी वी एक्टर है वो कौन है सुधा चंद्रान नंबर थ्री आई वॉज नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर वन माई लेग हैड टू बी एम्प्यूटेड आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट ये ऐसे एक नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल प्लेयर है जिनका लेग है वो ट्रेन एक्सीडेंट में ही एम्प्यूटेड हो गया था इन टू थाउजेंड थर्टीन आई बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट एंड द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूट टू द सबमिट एवरेस्ट तो दैट इज़ अरुणिमा सीना फोर्थ विन ए वॉज ओनली नाइनटीन मंथ्स ओल्ड आई लूस्ट माई पावर ऑफ हियरिंग एंड साइड आफ्टर इन इलनेस सिर्फ नाइनटीन मंथ्स के थे तब से उन्होंने अपना हियरिंग पावर पावर आई मीन के सुनना एंड साइड आफ्टर इलनेस और उनकी शाइड मीन्स के दृष्टि देखना वो अपनी बीमारी में उन्होंने खो दिया वाली आई लर्न टू स्पीक रीड राइट और इसके बावजूद उन्होंने स्पीक करना रीड करना राइट करना सीखा तो डिट इज अल एन कैलर ओके नाउ नंबर फिफ्थ नंबर फोर्थ में एंड बिकम अ टीचर एंड ऑथर इसके बावजूद वो टीचर भी बने और ऑथर भी बने नाउ फिफ्थ एम अ जर्मन म्यूजिशियन एंड एक्टर जर्मन के म्यूजिशियन भी है और मेम्बर्स आर डिफ ये डिफ पर्सन होते हुए भी अच्छे से ड्रम बजाते थे नाइट मेयर में और उनके लिए कि जो दूसरे पर्सन डिफ हैं उनके लिए तो देट आर ओल ग्रेट पर्सन एंड वी सैल्यूट दैम ओके नाउ टर्न द पेज पेज नंबर सिक्सटी थ्री सिम्बोल्स एंड लॉगोज स्टूडेंट यू नो एवरी कंपनीज या तो कुछ भी ऐसी इंस्टीट्यूट है उनका कुछ सिंबल्स होता है उनका कुछ लोगो होता है पुट tick right or cross wrong in the box given next to its statement. हर statement को देखना है और अगर सही है तो right करना है गलत है तो false wrong करना है First, the Union Jack is a flag of Australia. ये Union Jack is flag वो Australia का है No, that is a wrong. किसका है United Kingdom. Number टू This is the national emblem of Pakistan. So that is a right. Third day, this coat of arms is the national emblem of Nepal. That is also true. Nepal kahi. Number fourth, the flag of Paraguay. is the only flag which has different designs on either side. That is also true. नंबर फिफ्थ दिस इज़ द इम्पीरियल सेल ऑफ चाइना तो फॉल्स कहाँ का है जापान का नंबर सिक्स वेन यू विजिट बैंकॉक यू विल सी द मैरलिन विच इज हाफ लाइन एंड हाफ फेज फॉल्स बैंकॉक में नहीं कहाँ पे? सिंगापुर नंबर सेवन दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रू एट यू वुड

कुछ कहना है मैंने इंडियन हैव एक्सीलेंट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स बट आर नोट सो फेमस मेच दे विद देयर स्पोर्ट्स फर्स्ट दीपिका पलिका तो वो फेमस है स्क्वेश एंड स्क्वेश देन सरदार सिंह तो दैट इज फेमस एंड हॉकी थर्ड जोशना चैनअपा तो फेमस इन स्क्वेज स्क्वेज मानसेर तो वो है शूटिंग और शूटिंग में दे शोरो कोठारी इस फेमस इन बिलियार्ड सॉकर फिर शिवर थापा इस फेमस इन बॉक्सिंग जसपाल राणा वो भी शूटिंग सायप्रनीत फेमस इन बैडमिंटन और परिमजान नेगी फेमस इन चेस विनेश फोगट फेमस इन रेस्लिंग कृष्णा पोनिया फेमस इन एथलिक डिस्कस थ्रो एंड श्रीनाथ किडम्बी वो ऑल्सो फेमस इन बैडमिंटन So, like this, you have also complete the page number 64 in general knowledge. Okay, thank you, thank you very much.